उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सोमवार को पहले से ही लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने वीकेंड पर लगाए गए कोरोना की कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। अब कर्फ्यू सुबह 7 बजे तक ही लगा रहेगा, लेकिन इस कर्फ्यू की अवधि को 6 मई से 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको यह भी बताते चले कि सरकार ने केवल कर्फ्यू बढ़ाया है, नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है, बाजार बंद रहेंगे, शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी रहेगी, पर औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले 15 दिन तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा के बाहर नहीं जाएंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति, दूर संचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेवा से जुड़े लोग ही बाहर जा सकेंगे या शहर में भी जा सकेंगे केवल ई पास के जरिए। इसके अलावा प्रदेश से आ रही फ्लाइट्स पर भी कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं। सीएम ने विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का भी आदेश दिया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया भर की बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।